नहीं आज क्या मर्जी है, फूके मार मार के मेरा तो दिमाग खाली हो गया, पर इन लकड़ियों ने भी ना आज आग नहीं पड़नी। अरे पागा वालिये, एमी परेशान ना आकर ना कोसा कर हर किसी को, और कुछ और नहीं मिला तो लकड़ियां ही आज ना कोसू तो फिर सदके वारे जाऊं। खैर से आज पूरे 3 दिन हो गए घर में आटा नहीं है, फकीरों की तरह मांग मांग के पूरा कर रही हूँ मैं, पर तुझे क्या, तू अपनी चिलम पर गुड़ गुड़ कर और छोड़ दुआ हवा में। ओए अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तू ये बता, इसमें क्या पका रही है? हाँ, सब अच्छा होगा, और पिछले पूरे 40 साल से यही देख रही हूँ, माँ बाप के घर भी भूख नंग देखी है, सिर का साय भी मिला तो वो भी भूखा नंगा। हाय रब्बा, 2 टाइम की रोटी तो पेट भर के दे दे। और मैं क्या करूं, 2 हफ्ते हो गए मजदूरी नहीं मिली, तो बारिश की वजह से पट्टे बंद पड़े हैं, तो हो जाएगा ठीक, तू बस परेशान ना होया कर। नजीरा के घर से कणक लेकर आई थी, आटा नहीं दिया उसने, मां सदके जाए मेरा पुत्र खैरू रात को भी भूखा सोया है। चौधरी के घर से 3 रोटियां लाई थी, वही खाई है हमने, हम ये नजीरा के घर से जो गंदम लाई थी ना वही उबाल रही हूँ। मेरा खैर पुत्र आ गया है। अम्मा जल्दी जल्दी से रोटी दे दे, बहुत भूख लगी है। अच्छा जा जा के पहले सुपारा रखा, फिर आके खा ले मेरा पुत्र, जा शाबाश। अम्मा ये देश की मैं क्या पक रहा है? वे पुत्रा कणक उबाल रही है। फिर कल अम्मा ये कणक से मेरी भूख नहीं मिटती। ओ पुत्र खैरू, ये दाने खा लूं तो फिर आटा लेने चलता हूँ। अब्बा मुझे एक बात तो बता, तूने मुझे कहा था कि मेरे साथ काम पे जाया कर, दोनों मिलके काम करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और घर में आटा भी नहीं खत्म होगा। तूने मुझे स्कूल से भी हटा लिया, खोतों की तरह मेरे साथ काम करवाया और पैसे पैसे अभी तक नहीं मिले। ले पुत्र दाने खा ले और सुन मेरी बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बचपना खत्म हो जाता है। माँ बचपना तो तब खत्म होता है जब शुरू हो। ओ पुत्र खैरू, ये दाने खा ले और फिर आटा लेने चलता हूँ। ले पागा वालिये, मैं असलम की दुकान पे जा रहा हूँ आटा लेने के लिए। जा रब तेरी खैर करे।
السلام علیکم پاس وعلیکم السلام کیا حال ہے اور میں تو ٹھیک ہاں تو سنا میں بھی ٹھیک ہوں اپنا وہ پاس تھوڑا سا آٹا ادھار دے دو پرسوں سارے پیسے دے دوں میں آٹا وہ بھی ادھار دے دوں اور جو پہلے پیسے اتنے دینے ہیں اس کا کھاتا کیا بنے گا بھائی اس نے میرا ننا 3 دن سے بھوکا ہے اس نے کچھ نہیں کھایا پرسوں میں پیسے دے دوں گا سارے تیرا ننا 3 دن سے بھوکا ہے تو میں کیا کروں اگر اتنی ہی فکر تھی تو اس کو پیدا کیوں کیا تھا وہ اگر اسی طرح ادھار دیتا رہا تو میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا اعتبار کرتا ہے غریب کا وہ بھی آج کل کے دور میں اگر میں اس کی جگہ ہوتا نا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا اے پاگاں والیے جب شلوار سے گوڈا نظر آتا ہو نا تو کون ادھار دیتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے کرمو سلوار میں سے گوڈا دستا ہو نا تو کوئی بھی پیسے نہیں دیتا خیر بھی نہیں دیتا کوئی اچھا ربا چل خیر پتر وہ آٹا لے کے آئے ابا میں وہاں جا کے کیا کروں جا پتر تیرا ابا چلا جاتا چنگا نہیں لگتا اٹھ جا شکریہ ربا نہیں کھانی روٹی میرا بچہ ہائے ربو میرا بچہ
हौसला कर, हौसला कर, अल्लाह अच्छा करेगा। तू जानता है मेरा इक्को इक्की पुत्र है, कैसे हौसला करूं मैं? अल्लाह सब ठीक करेगा, तू अपने दिल पे काबू रख। उसका दिल नहीं कर रहा था जाने को, तू कल्ला ही चला जाता। डॉक्टर साहब सफर रखें, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बीबी ऊपर बैठे, सफर करें। परेशानी की कोई बात नहीं बीबी, आप सफर रखें, आप सफर रखें, बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला बचाने वाला, अल्लाह ताला बचाएगा आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। पैसा इनको तसल्ली है, मेरा बच्चा बचेगा। मैं कहाँ? आप कौन? खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। बेटा मैं डॉक्टर हूँ, आप गुज़िश्ता 3 दिनों से यहीं पर मौजूद हैं। मेरी मामा। घबराने की कोई बात नहीं, सब इस कमरे के बाहर मौजूद हैं, अभी आपकी उनसे मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर साहब एक बात पूछ। हाँ पूछिए। क्या क्या मेरे यहाँ आने से पहले मेरे पापा को आटा मिल गया?